जोसेफ हाई स्कूल महाराजगंज सामाजिक कार्य में एक अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत डीएसपी राकेश कुमार राजन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीएसपी राकेश रंजन ने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान चलाया। सेंट जोसेफ हाई स्कूल पूरे शहर में सफाई अभियान की स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत छात्रों ने सफाई अभियान आयोजित कर जागरूकता अभियान भी की। स्कूल के शिक्षक भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर सेंट जोसेफ हाई स्कूल महाराजगंज के करीबी सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल व शिक्षकों के साथ साथ मिलकर स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान झाड़ू लगाकर सड़कों की सफाई की गई और नए कूड़ेदान लगाए गए। इस मौके पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। इस तारीख एक घंटा एक साथ विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों के लिए समर्पित अभियान है। स्वच्छता के लिए श्रमदान हम सब की जिम्मेदारी है। अभियान में स्कूलों के शिक्षकों व छात्रों ने पहले भी लोगों को जागरूक किया था और अब भी स्कूली छात्र लोगों को प्रधानमंत्री की अपील के मुताबिक 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दो साइड में हो जाइए, दो साइड में प्रधानमंत्री का वाहन पड़ रही है। 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान आपके स्कूल जोसेफ स्कूल तक चलाया जा रहा है। यह सारा अभियान मतलब कि समाज में कितना संदेश दे पाएगा? ऐसे पे प्रधानमंत्री का तो आह्वान तो है ही, ऐसे ही अपने इलाके को हम लोग को स्वयं भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आजकल के जो बीमारियों को देखते हुए स्वच्छता सबसे जरूरी चीज़ होता है, इसलिए अपने इलाके को स्वयं जितना चाहे अपने परिवार के अंदर, अपने कॉम्पाउंड्स के अंदर, जो भी घर है उसका या कैंपस हुआ, जो भी जहां तक हमसे संभव हो सकता है उसको हमेशा हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए। आम आदमी समाज में क्या संदेश? बिल्कुल, अपने इलाके को साफ सुथरा रखें और हर तरह से हमारे बीमारी से बचने के लिए, हर तरह से रोग से मुक्त होने के लिए सफाई सबसे बड़ी जरूरत चीज़ है। आज आपने स्कूल के तौर पर स्वच्छता अभियान क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मन साथियों से? यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ रहें वहाँ स्वच्छ रखें। चलो चलो चलो, आज दिन से स्कूल तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ करें? आप लोग भी अवेयर होइए इससे। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में और अपने आने वाले साथियों को? कि हमें स्वच्छ अभियान करना चाहिए, यहाँ वहाँ फैल कचरा नहीं फैलाना चाहिए।